और ये है मेरा मिनी अडैप्टर, इसको निकालता हूँ, ये मेरा बहुत काम का चीज़ है, लाखों का लैपटॉप का काम बचा लेता है, और इसे सब काम कर सकते हैं। टाटा का कोई भी BS4 BS6 गाड़ी है कमिंस का, तो आप कमिंस का गाड़ी को इससे पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में खड़ा है टाटा सिग्ना 4825 BS6, तो इसका हम लोग ये डोजिंग टेस्ट करना है। तो मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप दूसरे गाड़ी में लगाए हैं, तो मेरे फ़ोन से अभी चेक करूँगा। कैसे चेक करना है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे फ़ोन से कैसे चेक होगा। यहाँ है कमिंस का गाइडेंस, मेरा पासवर्ड, खुल गया, यहाँ से गाड़ी में कनेक्ट हो जाएगा। ये आगे मेरा मिनी डिवाइस लगा हुआ है, जो मिनी डिवाइस में कनेक्ट होगा, और इसमें हम लोग डोजिंग टेस्ट करना है, क्योंकि अगर ये डोजर लीकेज हो रहा होगा चाहे और कुछ प्रॉब्लम होगा इसके लिए, क्योंकि इसमें फॉल्ट कोड आ रहा है इसी का। मैं फॉल्ट कोड भी दिखाऊंगा क्या है, जैसे कि यहाँ पर आ गया कनेक्ट होने का ऑप्शन, आ गया गाड़ी का इंजन नंबर आ गया, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी, मेरे कनेक्ट करके और थोड़ा देखना है, मैं लिस्टेड डालूंगा, पर गाड़ी में कनेक्ट होना चालू हो गया है। और यहाँ पर मेरा डिवाइस लगा हुआ है छोटा वाला मिनी अडैप्टर, इसी से मेरा कनेक्ट हो रहा है गाड़ी में, और जैसे यहाँ पर कनेक्ट होना चालू होगा तो यहाँ पर गाड़ी का चेसिस नंबर आ जाएगा। देखो जैसे ऊपर में है, ये गाड़ी का चेसिस नंबर आ गया है, और मैं गाड़ी को भी दिखा रहा हूँ कि वही चेसिस नंबर गाड़ी में भी है, तो मैं गाड़ी में भी दिखा रहा हूँ, वही चेसिस नंबर गाड़ी में भी रहेगा। यहाँ पर देखो वही चेसिस नंबर गाड़ी में भी है, 808013। और यहाँ पर भी वही है, यहाँ 80% हो गया था, अभी 100 हो गया, और यहाँ पर गाड़ी का खुल गया इंजन का। तो यहाँ से आपको क्या चेक करना है, गाड़ी का फॉल्ट कोड जो है, यहाँ से दिख जाएगा गाड़ी का फॉल्ट कोड क्या है। इससे गाड़ी के कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर फॉल्ट कोड दिख रहा होगा आपको, 5655 आया है एक्टिव में। अगर इस साइलेंसर लीकेज रहेगा, चाहे डोजिंग वाल भी लीकेज रहेगा, तो चाहे DF फिल्टर वगैरह पूरा DF क्वालिटी का प्रॉब्लम रहेगा तो भी ये आएगा। पर यहाँ पूरा फॉल्ट कोड दिखा रहा है, लेकिन इसमें भी है कुछ भी नहीं ज़्यादा। यहाँ से मैं फॉल्ट कोड से बाहर निकल जाता हूँ, और यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्टिव में 1 है, इनएक्टिव में 4 है। यहाँ पर कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, कैलिब्रेशन भी बता रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डायग्नो टेस्ट है, तो डायग्नो टेस्ट में जाऊँगा मैं, और डायग्नो टेस्ट में जाने के बाद में मैं यहाँ से इसको लीकेज टेस्ट करूँगा। इसमें पूरा हर एक चीज़ के टेस्ट कर सकते हैं, फ्यूल लीकेज टेस्ट भी कर सकते हैं आप, जो आपको करना है। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ओवरराइड नहीं करना है, जनरेशन टेस्ट भी नहीं, यहाँ पर मेरे को आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट फ्यूल सिस्टम फ्यूल का लीकेज टेस्ट करना है, तो इसको मैं ये वाला करूँगा, और यहाँ से चालू करूँगा टाइमिंग, स्टार्ट करूंगा। यहाँ टाइमिंग चालू हो गया, और यहाँ पर लिक्विड लीकेज होने लगा, इधर मोटर ऑन हुआ है, लिक्विड लीकेज और आपको दिख रहा होगा,
यहाँ से लीकेज टेस्ट चालू हुआ है, मैं चालू किया हूँ तो यहाँ लीकेज टेस्ट में लीकेज हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये लीकेज हो रहा है। मतलब ये डोजर जो आपका डोजर है PSS का डोजर, ये खराब हो गया है, ये नया डालना पड़ेगा। और ये वारंटी में है गाड़ी, तो इसको वारंटी में मिलेगा। कोई भी गाड़ी का लीकेज टेस्ट करिएगा तो आपका ऐसे लीकेज नहीं होना चाहिए डोजर। अगर लीकेज हो रहा है समझिए, तो लीकेज हो गया तो आपका डोजर खराब हो चुका है, इसलिए लीकेज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर डोजिंग टेस्ट मारा तो लीकेज हो रहा है ये, तो अभी मैं इसको डोजिंग करके भी चेक करूंगा। तो यहाँ पर लीकेज टेस्ट मारा था मैं, लीकेज हो रहा है तो लीकेज टेस्ट ऑफ करूंगा मैं, और लीकेज टेस्ट स्टॉप कर देता हूँ। अभी गिरना बंद हो जाएगा लिक्विड इधर से, अब नहीं गिर रहा है क्योंकि लीकेज टेस्ट में बंद कर दिया हूँ। यहाँ से थोड़ा बाहर आ जाऊंगा मैं, बाहर आ गया। अब इसको स्प्रे करवा के देखूंगा मैं कि स्प्रे कर रहा है कि नहीं, स्प्रे करने के टाइम पे लीक हो रहा है अभी। तो यहाँ से आता है ओवर टेस्ट करने को भी आता है, यहाँ पर है, आप लोगों को दिख रहा होगा मालूम नहीं, यहाँ से मैं करूँगा। अब स्प्रे करेगा यहाँ से, ये सब मेरे फ़ोन से ही हो जाएगा इजी। टेस्ट स्टॉप स्टार्ट कर दिया मैं, मोटर ऑन हो चुका है, इधर पहले ही लीकेज होने लगा, अभी चालू भी नहीं हुआ टेस्ट, स्प्रे मारने लगा। स्प्रे मार रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग को अलग तरीके से चेक करना रहेगा, कैसे चेक मालूम होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ड्रॉप गिर रहा है ना, ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पर बूंद गिर रहा है, बूंद नहीं गिरना चाहिए। यहाँ लीकेज हो रहा है डोजर, अब डोजर को हम लोग को नया डालना पड़ेगा। तो स्प्रे मार रहा था, इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, स्टॉप करूंगा, यहाँ से स्टॉप कर दिया, स्टॉप हो गए डोजिंग करना। यहाँ पे पूरा लिक्विड फेंक दिया नीचे में, अब इसको हम लोग क्या करना है, इस साइलेंसर को भी इतना खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ जमा हुआ है क्या DF लिक्विड, तो फिर मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग मिक्सर खोलने के लिए 4 क्लेम खोलना पड़ता है, 1, 2 और 3, और एक इधर अंदर में लगा 4, पूरा खुल गया है। अब इसको हम लोग निकालेंगे एक एक करके, चल निकाल। चल निकाल, पहला पहले में उतना जमा हुआ तो दिख नहीं रहा कुछ भी, जितना दिखना चाहिए जमा हुआ उतना दिख नहीं रहा, बट इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा जमा हुआ वो दिख रहा है। इसमें उतना जमा हुआ है नहीं, लेकिन इसको हम लोग पानी में धो के साफ करके लगा सकते हैं। अभी हमारे को 2 पैकिंग लगेगा ऐसा वाला, 1 और यहाँ 2, और एक डोजर लगेगा, और इसका डोजर का 3 बोल्ट लगेगा, और इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी सब तो अच्छा है। तो इसका प्रॉब्लम अभी क्लियर हो गया, इसमें डोजर ख़राब हो गया इसीलिए फॉल्ट को डाल रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ नया डालेंगे डोजर, उसके बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा ख़त्म। और हम लोग ये सब कवर ओवर खोल के गाड़ी के ऊपर ही रख दिए हैं। हाय मुरली। और यहाँ पर पूरा आदमी परेशान हो जाता है देख देख के कि वीडियो क्यों बना रहा है बार बार, जैसे कि ये भी इधर देखो।
यही गाड़ी है 4825T। तो यहाँ पर अभी आ गया इसका सामान, पूरा नया सामान जो जो मेरे को चाहिए था। यहाँ 3 पैकिंग आया है, ये आपका पैकिंग है, 931 रुपये का एक है, हमारे को 3 आया है और एक छोटा गैसकिट आया है, इसका छोटा पैकिंग है, और 3 बोल्ट आया डोजर का, और डोजर भी नया आ गया। ये पूरा कॉमिंस के तरफ से वारंटी में मिला है हम लोग को, पैसा नहीं लगा है कोई भी चीज़ का। डोजर का रेट देखो कितना है, 30,000 का डोजर है, और इसको भी हम लोग फिट करेंगे। पूरा साफ़ हो गया, धोधा लिए हैं, क्लीन कर दिए हैं, फिट करना है। और यहाँ पर हम लोग फिट कर दिए मिक्सर को, और इसके बाद में डालेंगे इसमें डोजर, फिट करेंगे, उसके बाद में रीजनरेशन मार के देखेंगे, फिर गाड़ी हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पूरा स्टाफ खाली है, काम नहीं है कुछ भी। तो अभी पूरा फिट हो गया, डोजर भी नया लग गया है, नया डोजर लग गया है, पैकिंग वैकिंग लगा के सब कुछ कंप्लीट है। गाड़ी भी स्टार्ट कर लिए, और गाड़ी हो गया है कंप्लीट, खाली कवर लगाएंगे और गाड़ी डिलीवरी के लिए तैयार है, और ट्रायल मार के अब हम लोग को डिलीवरी दे देना है गाड़ी का। तो अभी हो गया गाड़ी, हम लोग ट्रायल भी मार लिए, ट्रायल में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है,